Hello friends, my name is Harender Jangra and today in this video we will learn how can we create application for MS Office 2010 and how can we deploy MS Office 2010 using SCCM. So this is my SCCM server and my SCCM server name is sccm.ithub.com and I have source file for MS Office 2010 that is located in C sources and MS Office 2010 professional 64 bit right. तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस वीडियो के अंदर, सबसे पहले हमें वो फोल्डर एक्सेस करना है, आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है. Run as administrator. Actually हमें करना क्या है, हमें C directory के अंदर जो sources folder के अंदर जो हमारा setup जो हमारी setup files पड़ी हैं office 2010 professional 64 bit उसके अंदर हमें ये setup file execute करवानी है एक parameter के साथ setup.exe /admin. ठीक है, तो एक्चुअली हम क्यों करने जा रहे हैं ये चीज़ें एक बार आप मैं नोटपैड पे राइट कर रहा हूँ. सबसे पहले हमें एक टूल आता है ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल, इसके थ्रू हमें कुछ सेटिंग्स जो हैं ऐड करवानी पड़ेंगी एमएस ऑफिस 2010 के अंदर और वो हमें सेव करनी पड़ेंगी अपडेट्स नाम के फोल्डर के अंदर. ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, तो हम करने जा रहे हैं आप कमांड प्रॉम्प्ट रन एज एडमिन करोगे और आप उस डायरेक्टरी के अंदर जाओगे जहाँ पे आपकी सोर्स फाइल पड़ी है एमएस ऑफिस 2010 के लिए. तो सीडी स्पेस सोर्सेज स्लैश एमएस ऑफिस 2010 ये मेरी जो है सेटअप फाइल्स हैं एमएस ऑफिस 13 CD space office 2010 pro 64 bit क्योंकि हम office 2010 का पैकेज एप्लीकेशन क्रिएट करने जा रहे हैं और उसको डिप्लॉय करेंगे. तो मैं office 2010 को ओपन करता हूँ, इसके अंदर आप कमांड टाइप करोगे setup.exe /admin राइट. मेक श्योर आपकी इस डायरेक्टरी के अंदर एडमिन फोल्डर होना चाहिए sources 10 राइट, दिस इज एडमिन फोल्डर तो ये होना चाहिए. आपको ये चीज़ ओपन करनी है, उस डायरेक्टरी पे जाके ये कमांड टाइप करनी है setup.exe /admin, एंटर करना है. अभी थोड़ी देर में आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल जो है ओपन हो जाएगा. क्रिएट ए न्यू सेटअप कस्टमाइजेशन फाइल, जस्ट क्लिक ऑन ओके. तो ये एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल जिसके थ्रू आप कुछ एडिटिंग करोगे बिफोर डिप्लॉयमेंट ऑफ एमएस ऑफिस 2010. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है इंस्टॉल लोकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन नेम, ये आपकी लोकेशन होगी जहाँ पे आपका एमएस ऑफिस इंस्टॉल होगा. आप चेंज भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर अपना ऑर्गेनाइजेशन नेम दे देता हूँ. उसके बाद जो है आपको कुछ और सेटिंग्स हैं लाइक लाइसेंसिंग एंड यूज़र इंटरफेस. इसके अंदर आपको अगर आपके पास प्रोडक्ट की है वो KMS की है या अनदर कोई प्रोडक्ट की है वो आपको डाल देनी है. ठीक है, मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट की नहीं है. ठीक है, तो मैं इसको अभी प्लान की छोड़ देता हूँ, यूज KMS क्लाइंट की मैं इसको मार्क करता हूँ और यहाँ से मैं बेसिक चूज करता हूँ और यहाँ पे सप्रेस मॉडल और नो कैंसल ये ऑप्शन मार्क करता हूँ. उसके बाद जो है आपको मॉडिफाई यूजर सेटिंग्स के अंदर जाना है, मॉडिफाई सेटअप प्रॉपर्टीज. आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है और ऐड पे जाके आपको यहाँ पे एक चीज़ ऐड करनी है, वो है सेटअप अंडरस्कोर रिबूट
और नीचे आपको नेवर करना है। इसका मतलब है कि ये इंस्टॉलेशन होने के बाद जो है रिबूट नहीं करेगा अपने आप। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, ओके करना है और यहाँ पे मॉडिफाई यूज़र सेटिंग्स के अंदर जाके आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 के अंदर प्राइवेसी के अंदर ट्रस्ट सेंटर के अंदर जाके आपको कुछ सेटिंग्स हैं लाइक ये आपको इनेबल्ड करना है ये ऑप्शन। एंड उसके बाद जो है आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप वो कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। सारी एडिटिंग होने के बाद आपको जस्ट ये क्या करना है, सेव एज करना है और सेव एज करके आपको ये सेव करना है कहाँ पे, MSP फाइल अपडेट फोल्डर के अंदर। आपको उसी लोकेशन के अंदर जाना है, सी डायरेक्टरी के अंदर, ये आपको उसी डायरेक्टरी के अंदर अपडेट्स नाम के फोल्डर के अंदर स्टोर करना है, सोर्सेज ऑफिस 2010 और आपको यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा अपडेट्स। इसके अंदर आपको एक्चुअली जब कोई भी नाम आप दे सकते हो और ये .msp एक्सटेंशन में सेव होगी बाय डिफ़ॉल्ट, लाइक मैं इसका नाम दे रहा हूँ कस्टम सेटिंग्स और आपको सेव कर देना है। अभी आपको ये क्लोज कर देना है और यस जस्ट क्लोज। अभी हम इस सोर्स फाइल के थ्रू एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी पे जाना है, सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी के अंदर जाके एप्लीकेशन मैनेजमेंट एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन के अंदर कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर एप्लीकेशन बना सकते हो, लेकिन अगर आप रूट पे ही बनाना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे भी बना सकते हो। मैं अभी वीरेंद्र जांगड़ा फोल्डर के अंदर जो है एप्लीकेशन क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो राइट क्लिक करोगे आप फ्री स्पेस के ऊपर और क्रिएट एप्लीकेशन चूज करोगे। यहाँ से आपको सोर्स फाइल का पाथ प्रोवाइड करवाना है। एक्चुअली हम MSI फाइल का पाथ प्रोवाइड करवाएंगे आपको। उसी सोर्स फाइल के अंदर एक MSI फाइल होती है, वो नोट करनी पड़ेगी कौन सी MSI फाइल होती है। आपको UNC पाथ प्रोवाइड करवाना है यहाँ पे, SCCM सोर्सेज, इसके अंदर जो है MS Office 2010, इसके अंदर जो है आपको प्रोवाइड करवाना है Pro Plus WW के अंदर यहाँ पे आपको ये वाली फाइल का पाथ प्रोवाइड करवाना है, दिस इज़ MSI फाइल, राइट। उसके बाद जस्ट आपको नेक्स्ट करना है, इट विल ऑटोमेटिकली रीड ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस MSI फाइल। राइट, इसने जो भी नाम वगैरह है सब कुछ अपने आप उठा लिया है। जस्ट आपको नेक्स्ट करना है, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर क्रिएटेड बाय पब्लिशर कौन है, वर्जन क्या है और ये कमांड लाइन एक्चुअल में यूज होगी आपकी जो इंस्टॉल करेगी। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये कमांड हटानी है, आपको यहाँ से सेटअप फाइल एक्चुअली वो करनी है, बताता हूँ आपको, इसके अंदर सेटअप .exe
ये वाली आपको, वन मोमेंट, आपको जस्ट सेटअप फाइल ऐड करनी है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे वो सेटअप फाइल नहीं दे रहा। या आप एक काम करो, आप यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर दो सेटअप डॉट ई एक्स ई, इंस्टॉल फॉर सिस्टम करना है आपको, जस्ट नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट, जस्ट क्लिक ऑन क्लोज बटन। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, जो एप्लीकेशन आपने बनाई है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2010, उसके आपको डिप्लॉयमेंट टाइप की प्रॉपर्टीज ओपन करनी है, और उसके अंदर जाके, वन मोमेंट, राइट, आपको उस डिप्लॉयमेंट टाइप को ओपन करना है, डिप्लॉयमेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़। दोबारा बता देता हूँ, आपको यहाँ से एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद नीचे से डिप्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है, और या तो आप इस पर डबल क्लिक कर दो या राइट क्लिक करके आप इसकी प्रॉपर्टी चूज कर लो। इसके अंदर हमें, हम करने क्या जा रहे हैं, इसकी कंटेंट लोकेशन को चेंज करने जा रहे हैं। कंटेंट पे जाओगे, एक्चुअली हमने पाथ दिया था इसके अंदर ऑफिस 2000 प्रोफेशनल 64 के अंदर प्रो प्लस WW। अभी हमें जस्ट क्या करना है, यहाँ से जो प्रो प्लस है ये वाला, जस्ट ये हटा देना है। और ओके कर देना है, अप्लाई, और जो प्रोग्राम हमने यूज कर रहे हैं सेटअप डॉट ई एक्स ई, एक्चुअली अनइंस्टॉलेशन प्रोग्राम भी जो है, हम यहाँ पे भी सेटअप डॉट, उसको हटा के सेटअप डॉट ई एक्स ई स्पेस स्लैश अनइंस्टॉल, ये पैरामीटर हम यूज करेंगे। और आपको डिटेक्शन मेथड, एक्चुअली बाय डिफॉल्ट ये इसके प्रोडक्ट कोड को यूज करेगा। यूजर एक्सपीरियंस हम इंस्टॉल फॉर सिस्टम करेंगे, वेदर और नॉट ए यूजर इज लॉग्ड इन। रिक्वायरमेंट जो है, हम रिक्वायरमेंट सेट कर सकते हैं कि किसके ऊपर जाए ये रिक्वायरमेंट। एक्चुअली 64 बिट का पैकेज है, तो डेफिनेटली 32 बिट के ऊपर नहीं जाएगा, तो हम यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम का रिक्वायरमेंट टूल चूज कर लेते हैं, और इसमें हम केवल 64 बिट OS को लेते हैं। तो विंडोज 7 जो है हमारी, ऑल विंडोज 7 64 बिट, 8 है जो हमारी, ऑल विंडोज 8 64 बिट, 8.1 है जो हमारी, ऑल विंडोज 8.1 64 बिट, और विंडोज 10 है जो 64 बिट। तो हम ये लेते हैं, और उसके बाद जो है हमारी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, हम अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। अभी हम, हमें जस्ट कुछ नहीं करना, हमें हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो चुकी है। अभी हमें बस ये इसके कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है डीपी के ऊपर। आफ्टर दैट वी कैन डिप्लॉय दिस एप्लीकेशन एंड वी कैन टेस्ट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द कंटेंट ऑन डीपी। सो राइट क्लिक ऑन द एप्लीकेशन एंड जस्ट क्लिक ऑन डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन ऐड एंड जस्ट क्लिक ऑन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। हियर प्रोवाइड द नेम ऑफ योर SCCM सर्वर और DP सर्वर। जस्ट क्लिक ऑन ओके, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट, जस्ट क्लिक ऑन क्लोज।
once it will distributed on DP, after that we can deploy this application. So it will take some time to replicate on DP. Till now we are pausing the video, and once it will done, we will again continue this video. Alright, तो हमारा जो पैकेज है एप्लीकेशन पैकेज वो जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है DP के ऊपर. तो नाउ वी जस्ट हैव टू डिप्लॉय दिस एप्लीकेशन एंड टेस्ट. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिप्लॉय दिस एप्लीकेशन ऑन ऑल सिस्टम डिवाइस कलेक्शन. सो हाउ टू डिप्लॉय द एप्लीकेशन, जस्ट राइट क्लिक ऑन द एप्लीकेशन, चूज डिप्लॉय. आपको यहाँ पे कलेक्शन का नाम प्रोवाइड करवाना है जिसके ऊपर आपको डिप्लॉय करना है. हियर वी हैव टू ऑप्शन, यूजर कलेक्शन एंड डिवाइस कलेक्शन. चूज डिवाइस कलेक्शन एंड जस्ट क्लिक ऑन ऑल सिस्टम. आप जिस भी डिवाइस कलेक्शन के ऊपर डिप्लॉय करना चाहते हो यू कैन चूज. इन माई एनवायरमेंट आई एम टेकिंग ऑल सिस्टम डिवाइस कलेक्शन. तो जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट. Here we have two options, install and uninstall. Now we have to install the application and purpose, available and required. Actually available means this application would be available on software center and user can install if they want. The required, this application would be installed on scheduled time. So I'm going to avail this application, just click on next. If you don't choose any schedule, it will install as soon as possible. So just click on next. Here we have two options, display in software center and only show notification for computer restart, and display in software center and show all notification. So I'm taking first option. Next, just click on close. Right, मैंने ये application create कर ली है, deploy कर दी है. अभी मुझे एक machine पे test करनी है. ये एक मेरी machine है, client machine, जिसके ऊपर MS Office install नहीं है, और मैं चाहता हूँ इसी के ऊपर test करना. तो मैं जस्ट एक बार मशीन पॉलिसी जो है रिफ्रेश कर देता हूँ. जस्ट क्लिक ऑन ओके, सो दैट ये मशीन जो है जल्दी से जल्दी उस डिप्लॉयमेंट को देख पाए, ले पाए. अभी मैं सॉफ्टवेयर सेंटर ओपन करता हूँ. राइट, चलिए ये जो है ये तो मेरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2013 है. जो अभी वाली एप्लीकेशन है वो आई नहीं है. सो इट विल टेक सम टाइम टू रिफ्रेश इट्स पॉलिसी. आई एम गोइंग टू अगेन रिफ्रेश दिस पॉलिसी. जैसे ही ये एप्लीकेशन अवेलेबल होगी, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा जो बताएगा इस मशीन को, इस यूज़र को, कि ए न्यू सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर यू, यू कैन इंस्टॉल. Will take some time to replicate.
ये मेरी मशीन है, क्लाइंट मशीन। मैं इसकी लॉग फाइल एक्सेस करता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। राइट अभी तक एमएस ऑफिस 2010 की जो है एप्लीकेशन जो है अभी डिटेक्ट हुई नहीं है, आई नहीं है। तो मैं इसकी पॉलिसी एजेंट डॉट लॉग जो हमें बताएगी पॉलिसी कब ट्रिगर हुई है इसकी, रीड करते हैं। अभी तक जो है इसकी मशीन पॉलिसी जो है रिफ्रेश हुई नहीं है आई थिंक। ओके स्किपिंग रिक्वेस्ट फॉर यूजर पॉलिसी असाइनमेंट फॉर यूजर, मे बी इट कैन बी द इशू एक्चुअली। आई लॉग्ड इन दिस मशीन विद लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट and I didn't log in with any domain user account, so this issue can be there because it's not taking machine policy refresh. एप्लीकेशन केम परफॉर्मिंग डिटेक्शन ऑफ ऐप डिप्लॉयमेंट टाइप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल 2010 एप्लीकेशन नॉट डिस्कवर्ड राइट डिड नॉट दिस या जस्ट केम। तो जो है वी शुड वेट राइट आ चुकी है एप्लीकेशन, नोटिफिकेशन भी हमारे पास आ चुका है न्यू सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2010। तो ये एप्लीकेशन हमने अवेलेबल करवाई थी यूजर्स एंड पे कि यूजर्स अगर इंस्टॉल करना चाहे तो कैन दे कैन इंस्टॉल, अदरवाइज इट विल बी अवेलेबल ऑन सॉफ्टवेयर सेंटर। तो यूजर जो है अभी आप को सॉफ्टवेयर सेंटर से इसको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसको जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करना है, ये एप्लीकेशन साइलेंट मोड में इंस्टॉल हो जाएगी। अभी देखो आपकी ये डाउनलोडिंग हो रही है, डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर, सो इट विल टेक सम टाइम टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन एंड we have to wait some time. राइट डाउनलोडिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है 10%।
एक्चुअली ये एप्लीकेशन जो है साइलेंट मोड में है, लेकिन ये जस्ट पॉपअप आ रहा है, ये कुछ भी नेक्स्ट करने के लिए नहीं आ रहा, ये जस्ट आपका सेटअप डॉट exe दिखा रहा है कि अभी इंस्टॉल हो रहा है। इट विल टेक सम टाइम टू कम्प्लीट दिस टिल वी आर पॉजिंग दिस वीडियो, अगेन वी विल कंटिन्यू दिस वीडियो वंस इट विल कम्प्लीट। ग्रेट, एप्लीकेशन जो है हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। इंस्टॉल होने के बाद जस्ट आपको इस तरीके से दिखेगी। अभी हम चेक कर रहे हैं इस एप्लीकेशन को। कोर प्रोग्राम्स पे जाओगे आप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऑलराइट, ग्रेट। एक्सेल एक बार ओपन करके देख लेते हैं। इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड, आवर एप्लीकेशन हैज सक्सेसफुली इंस्टॉल। जस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2010, राइट। सो गाइज, इस वीडियो में हमने सीखा हाउ टू इंस्टॉल एमएस ऑफिस 2010 यूजिंग SCCM। तो सारी स्टेप्स जो है हमने इसमें वीडियो में कैप्चर की हैं, और अभी मैं इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।